नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। बारा जिले के किशनगंज तहसील क्षेत्र के पिजना ग्राम पंचायत के गांव पिजना में मजदूरी करने हेतु पलायन पर बाहर गए मजदूरों को अब अपने गांव लौट रहे हैं। गुरुवार रात्रि को ही करीब 2 दर्जन से भी अधिक मजदूर बाहर से रात्रि को पिजना गाँव लौटे। चिकित्सा विभाग को सूचना मिलने पर गुरुवार को पिजना गाँव पहुँचकर आने वाले मजदूरों का भवरगढ़ PSC के डॉक्टर दीपक शर्मा द्वारा उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें सभी मजदूरों में किसी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं पाया गया। अभी और भी लोग आ रहे हैं। हाँ जी, आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? ये कोटा जिला से आ रहा है। तो इससे पहले कहाँ से आए थे? ये इससे पहले बूंदी जिले से आए थे। एक साथ आए 30-35 लोग, 40 लोग के लमसम। वहाँ से क्यों आ रहे हैं? तो सर, वहाँ मजदूरी नहीं मिल पा रही, सेठ लोग उनके लिए भगा रहे हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है, इसलिए आपके गाँव जाओ, खाने को नहीं मिल रहा, खर्चा पानी नहीं चल रहा है, इसमें मजबूरी है उनके साथ। तो ये दिन में इनमें तो पुलिस वगैरह रोक रही आने वालों को, फिर तुम के सारे रात में नाइट में आ सर। अच्छा, एक साथ ही आ रहे हैं? एक साथ आ। और अभी कैसे आएंगे? अभी आने पैदल आ रहा सर, छोटा सा पैदल। नाम क्या है तुम्हारा? दीपचंद। कहा रहे थे? पीजना। वो हाथ से पकड़ से यू ले लगा। किस गांव के रहने वाले हो? पीजना। आप काम करने जो बाहर गए थे, कौन से गए थे? हम डाबी गए। डाबी? अच्छा, वहाँ से आप कब आए हो? कल आए। और किस तरह से आए हो? कायम बैठ के आए? गाड़ी में आए। कौन सी गाड़ी थी? 12-6 चक्का ट्रक था। हाँ, ट्रक। अच्छा, उसमें बैठ के आए आप। अच्छा, कितने लोग आए थे उसमें? करीब आए हूँ 30-40 आदमी आए थे। एक साथ पिजना गांव के ही हैं? बाहर गांव के। कौन सा बाहर, कौन सा गांव का है वो? सभी एक साथ बैठ के आए? सब एक साथ बैठ के आए हैं, एक ही गाड़ी में, डाबी से। अच्छा, और इस गांव में 25-30 के लगभग हैं? 25-30 के लगभग। और उस गांव में? उस गांव में भी इतना ही है, 25-30। अच्छा, कोई वहाँ से जो है आपको किसी ने रोका नहीं क्या, पुलिस ने वगैरह? इतने सारे आदमी जैसे रात में आए? कितने बजे आए थे आप? हम आए कम से कम यहाँ 2-2.5 बजे करीब आए। 2.5 बजे के लगभग आए, रात्रि को। अच्छा, तुम आपका नाम बताओ? राजकुमार। कितने दिन पहले आए थे? रात आए ना आप? कितने दिन पहले गए थे आप यहाँ से? हम यहाँ से अभी होली पे गए थे। होली पे? अच्छा, क्या काम करते थे वहाँ? हाँ, गाड़ी भरते। गाड़ी भरने का काम करते थे? कौन सी फैक्ट्री में? फैक्ट्री नहीं है वो, तो मतलब ये भाटे का काम, पत्थर का। अच्छा अच्छा, खदानों में काम करते थे। तो रात में आए आप? एक ही ट्रक से आए सारे? हाँ, एक ही ट्रक से आए सारे। अच्छा, यहाँ से कितने आदमी गए थे? यहाँ से तो हम 2 जने गए थे, लेकिन पहले से ही थे वहाँ पे। तो अच्छा, तो वो सब एक साथ आ गए? हाँ। पहले से वो कितने दिनों से मौजूद थे? वो मतलब 4-5 महीने तो वहीं काम कर रहे थे पहले। अच्छा, से अच्छा, अब यहाँ आ गए। ठीक, हमने सुना है कि 30 के लगभग जो है लोग बाहर से आए हैं। 2 घंटे पहले इन्फॉर्मेशन मिली है ब्लॉक ऑफिस से जी, तो उसमें बोला गया था कि बाहर से कुछ लोग आए, तो उनका स्क्रीनिंग करके वो आइसोलेशन के लिए प्रमोट किया है उन्हें। बाकी अगर उनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग डेली बेसिस पर कॉन्टेक्ट करके इनसे अगर आगे कोई बीमार होता है या ऐसा कोई लक्षण दिखता है तो फिर हम उन्हें यहाँ से किशनगंज या क्वारंटाइन में शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे जी। अभी तक जो आपने चेक किया है, अभी 30 के लगभग अभी तक किसी भी मरीज में किसी तरह के कोई लक्षण नहीं पाया गया, तो अच्छा सिर्फ कोई लक्षण नहीं है इस तरह के, किसी मरीज में कोई लक्षण नहीं है। ओके, किशनगंज संवाददाता मदन लाल शाह की रिपोर्ट।